हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और आप देखें एडिस एडिटर। तो आज के इस लेक्चर में अवकलन के कुछ फार्मूले देखेंगे इम्पॉर्टेंट और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का साइन एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। Then d by dx of sec x is equal to sec x tan x, d by dx of cos sec x is equal to minus cos sec x into cot x. Then d by dx of constant is equal to 0, मतलब कोई भी constant जैसे कि 2 या 4 कुछ भी ऐसा constant होगा, अगर उसका differentiation करेंगे तो हमें उसको value 0 मिलेगी। और inverse function का definition देख लेते हैं। d by dx of sin inverse x is equal to 1 by under root 1 minus x square, d by dx of cos inverse x is equal to minus times of 1 upon under root 1 minus x square and d by dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square and d by dx of cot x is equal to 1 minus 1 divided by 1 plus x square. Then d by dx of sec inverse x is equal to 1 by mod of x under root x square minus 1. d by dx of cos sec inverse x is equal to minus 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें ज्ञात करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन, और यहाँ पर वन बटे एक्स स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी जब इसको हम ऊपर भेज देंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जैसे बड़ा सा फंक्शन दिया तो इसे हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस टू, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया एक्स पावर माइनस टू से। जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं तो हम ये वाले फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो पावर में होता है उसे आगे कर देते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर x पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो मतलब 2x 2 माइनस 1 करेंगे पावर 1 हो जाएगी, मतलब x। एंड हम साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, cos x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x लिख दिए और x पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन भी कुछ इस तरीके से ही करेंगे। तो माइनस 2 आगे आ जाएगा और माइनस 2 में से माइनस 1 माइनस हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए और ये हमारा फंक्शन है। इसको और सिंपल करने के लिए पहले हम इसमें कुछ चेंजमेंट करेंगे। तो ये अंडर रूट एक्स को ये सबका एलसीएम आकर के ऐसे हो गया है, तो इसे सेपरेट कर देंगे। इसकी पावर में मतलब इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे प्लस इसके नीचे, मतलब अंडर रूट एक्स को ऐसे सेपरेट करेंगे इस तरीके से। ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से हमें यही फंक्शन मिल जाएगा, इसका मतलब हम इसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर 1 बाई 2, और जब हम इसे पावर को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स पावर माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पर लिखा ए एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर ये क्या किया मैंने, नीचे जो अंडर रूट था उसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 हो गया, प्लस सेम सब में ऐसा किया हुआ है बी एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस सी इंटू एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2। तो जब जानते हैं कि बेस सेम होती है तो पावर ऊपर की एडिशन हो जाती है, तो 2 और माइनस 1 बाई 2 जब ऐड होंगे तो हो जाएंगे 3 बाई 2 प्लस, ऐसे इसमें यहाँ पर पावर 1 है, ये इसके साथ ऐड होगा तो हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस का प्लस सी इंटू एक्स पावर हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे फंक्शन को लिखते हैं। फिर हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी इनटू एफ एक्स का फंक्शन, मतलब जिसके सापेक्ष में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू हुई, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन कर देंगे। हाँ, जैसे अभी यहाँ पे सी 5, 6, 7 या कोई ऐसा फंक्शन जो एक्स के मतलब रिलेशन रिस्पेक्टिव है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी एंड सी कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसे बाहर कर देंगे। तो ए बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 बाई 2 एंड बी बाहर कर दिया, फिर एक्स पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन प्लस सी बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1 बाई 2। तो ये एक्स पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, इसमें क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा।
3 बाई टू आगे आ गया x और 3 बाई टू माइनस 1 प्लस b इंटू 1 बाई टू x पावर 1 बाई टू माइनस 1 प्लस c फिर माइनस वाला पावर आगे आ जाएगा x और 1 बाई टू माइनस 1। देन अब इसमें सॉल्व करेंगे तो जब 3 बाई टू में से माइनस 1 होता है तो यहाँ पावर बचती है 1 बाई टू एंड यहाँ 1 बाई टू में से माइनस 1 जाता है तो माइनस 1 बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 बाई टू हो जाएगा। x पावर 1 बाई टू को लिख सकते हैं अंडर रूट x, इस पावर को नीचे भेजने के बाद फिर अंडर रूट x में लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात मैंने पुराने लेक्चर में भी बताई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर दिया 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टेस्ट x इनफाइनाइट तक है। दर्शाना है d बाई dx ऑफ इक्वल टू y, तो हम d बाई dx निकालेंगे इसका, ये y फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। ये कैसे, ये करके देखते हैं। दिया है y इक्वल टू, हमें क्वेश्चन जो दिया उसको लिख लेंगे, फिर d बाई dx निकालेंगे तो हम सेपरेटली करेंगे, तो d बाई dx ऑफ 1 प्लस d बाई dx ऑफ, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसलिए बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, फिर बाहर निकाल देंगे 1 बाई टू फैक्टोरियल फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस इनफाइनाइट तक, अब इनफाइनाइट तक हम लिख नहीं सकते यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर डैश 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 लिख देंगे। फिर किसी, हम जानते हैं किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो होता तो यहाँ पर जीरो कर दिया, ठीक है। फिर ये 1 हो जाए क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हुआ क्योंकि एक्स पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा, फिर 1 में से 1 चला जाएगा तो एक्स पावर 0 हो जाएगी। जब किसी नंबर का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 2x मिलता है। देन उसके आगे अगर मान लीजिए x का क्यूब हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 0 तो हटा देंगे, फिर 1 प्लस 2 बाई 2, यहाँ से 2 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हम 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम n माइनस 1 करते हुए चले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, 1 अपान x अपान 1 फैक्टोरियल एंड x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि इनफाइनाइट तक गया है। तो देखिए हमें फिर से वही क्वेश्चन मिल गया जो क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएट करा था। तो हम जानते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है, y बराबर इतना दिया है जो कि एकदम सेम सेम इसकी तरह है डिफरेंशिएट करने के बावजूद भी। तो हम इसे कह सकते डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यह प्रूव हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।